जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, ऊंचे कुल का जन्म यहाँ, ऊंचे कुल का जन्म यहाँ, करनी ऊंच न होए, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए, साधु निंदे सोए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। आज का पाठ यही समाप्त होता है। इन दोनों को घर से याद करके आना कल। वो देखो हमारे बीच आ रहा है। तुम किसी दूसरी जगह जाकर खाना खाओ। मेरी माँ कहती है तुम अछूत हो, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। जरा ना मार्बल खाना खाना। दूसरी जगह खाना खाने जाओ। रेडी ये क्या कर रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो हाथ बांधो, मैं पानी डालता हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। Yeah.
अपनी कॉपी और पेंसिल निकाले सब। शोर नहीं करना है। आज मैं हिसाब पढ़ाऊंगा और एक सवाल लिखा रहा हूँ, वो आप सही सही घर से करके लाना। एक गाय का मूल्य पचास। तुम किसी दूसरी जगह जाकर खाना खाओ, हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। तुम किसी दूसरी जगह जाकर खाना खाओ हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। मेरी माँ कहती है चला मार दस खाना गया। उतार लिया सबने ठीक। गंगोत्री हिमालय में एक हिम नदी है, यहाँ मैं एक नाले के समान हूँ। पहाड़ी यात्रा में मुझे बड़ा आनंद आता है। हंसते क्यों हैं? हंसा करते हैं नहीं? चलो बैठो। तुम ये चट्टाने टूट कर और आपस में रगड़ खाकर रेत और बुलाई मिट्टी का रूप धारण कर लेती हैं। शाबाश। पढ़ो बेटा। शांत। मेरा जन्म गंगोत्री से हुआ था। गंगोत्री हिमालय में एक हिम नदी है। शांत रहो। कक्षा है, अनुशासन नहीं आता। अनुशासन सीखो, पढ़ने आते हो यहाँ। मेरा जन्म गंगोत्री से हुआ है। गंगोत्री हिमालय में एक हिम नदी है, यहाँ मैं एक नाले के समान हूँ। पहाड़ी। शाबाश, बहुत अच्छी। देखा कितना अच्छा पढ़ता है। जाओ बेटा बैठ। पहाड़ी सबको याद है? तुम आओ बेटा सुनाओ। सात एकम सात, सात एकम सात, सात दुनी चौदह, सात दुनी चौदह, सात तिया इक्कीस, सात तिया इक्कीस, सात चौक अठाईस, सात चौक अठाईस, सात पंजे पैंतीस, सात पंजे पैंतीस, सात छं, सात छिक बयालीस, सात छिक बयालीस, सत सत उनचास, सत सत उनचास, सात अठे छप्पन, सात अठे छप्पन, सात तीन तरे साठ, सात तीन तरे साठ, सात धाम सत्तर। शाबाश। क्या बात है बेटे, सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तुम्हें भूख नहीं लगी? अरे तुम रो रहे हो बेटा, क्या बात है, क्यों? गुरुजी, मैं अछूत हूँ ना गुरुजी, मैं इन बच्चों के साथ खाना नहीं खा सकता ना गुरुजी। अरे नहीं 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 बेटे, तुम निराश मत हो, आओ चलो मेरे साथ खाना खाओ। आओ चलो। मैंना मैंना
वो क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा तुम बैठो, खोलो ना, खाना निकालो। खाई नहीं रहे बेटा, लो खा बेटे, खाओ ऐसा बात, खा बेटा। बेटा भीम, आज से तुम अपना ध्यान सब बातों से हटाकर पढ़ाई की ओर लगाओ बेटा, और इतना पढ़ो कि इन सब बच्चों से आगे निकल जाओ। जी गुरुजी। आज से तुम्हारा नाम भीमराव अंबेडकर हुआ। ये घटना बालक भीमराव के बचपन की है, जिसे अपने गुरु के प्रसाद के रूप में अपने गुरु का नाम अंबेडकर मिला। और तभी से उनका नाम भीमराव से भीमराव अंबेडकर हो गया। लोग रोते पानी। चौदह अप्रैल 1891 में जन्मे उस बालक ने मन ही मन निश्चय किया कि वो अपने गुरु के नाम को रोशन करेगा, खूब पढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। अपने निश्चय का धनी वो बालक सच में बहुत ऊंचा उठा और बड़ा होने पर वो भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने गया। भीमराव अंबेडकर अपनी लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आगे ही आगे बढ़ते रहे और सफलता उनके कदम चूमती रही। जैसे ही वो वायसराय की कार्यकारी समिति के सदस्य बने, उन्होंने सर क्रिप्स से मुलाकात की। इस भेंट में उन्होंने क्रिप्स द्वारा दिए गए सुझावों का विरोध किया और उनसे दलित वर्ग के हितों के लिए अलग से प्रस्ताव बनाने की मांग की। उनकी सफलता का अगला कदम था कानून मंत्री का पद ग्रहण करना। उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के सामने शपथ ली। उनकी विद्वता और योग्यता के कारण उन्हें देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने देश के उस संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसका आधार था समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना और न्याय। पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय दिलाने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे। दलित वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल प्रस्तुत किया। वो मानते थे कि न्याय पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने उन्नति के मूल मंत्र के रूप में शिक्षा को जाना था और वो जीवन भर अध्ययन करते रहे। पुस्तकों से उन्हें बहुत लगाव था, साथ ही उन्हें लगाव था लोगों को समान अधिकार दिलाने का, उचित न्याय दिलाने का। इसी आधार पर उन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर उन लोगों को न्याय व समान अधिकार दिलाने के लिए जूझते रहे जो दलित थे, पीड़ित थे। इस महान यज्ञ को पूरा कर उन्होंने 6 दिसंबर सन 1956 के दिन बंबई में सदा के लिए आंखें मूंद ली। लेकिन अपने महान कार्यों के कारण वो इतने ऊंचे हो गए हैं
कि संसद भवन में खड़ी उनकी ये मूर्ति हमें आज भी उनकी याद दिलाती है। आज भी उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी वर्गों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं बौद्ध भिक्षुक भी। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे और मृत्यु से पूर्व उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण भी कर लिया था। उनकी याद में डॉक्टर अंबेडकर भवन में प्रतिवर्ष प्रदर्शनी और मेला लगाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की झलकियां चित्रों द्वारा दिखाई जाती है। उनका संदेश था एक राष्ट्र एक प्राण, अर्थात हम सब एक हैं, समान हैं और हम सबका एक राष्ट्र है, वो है भारत। हमारा प्यारा भारत।